प्लेस अपन गौ जैसन मेहरारू के इतना परेशान कर रहा था, और हमने हमने बस खड़ा खड़ा तमाशा देखता नहीं। ओकरा के रोके खातिर हमने ये के आगे आवे के पड़ी, नहीं तो ओकर मन और बढ़ जाए। दीदी जी, रो खूब कहतनी, हमने के का कर सकत तनी सा, मिथिलेश हमने के मना कइले बड़नु कि मियां बीवी के बीच में केहू टांग ना आड़े तो का कइल जाओ। ऐसे भी दीदी जी, हर पति के अपना पत्नी से कुछ उम्मीद तो होबे न करेला, हो सकता उहे उम्मीद मिथिलेश पूरा करवाओ के चाहत होके। नहीं रज्जू, ई उम्मीद ना बा, ई बदला बा, मिथिलेश रितु से बदला लेता। भौजी, अगर ई बदला बा तो हमनी के का कर सकता नहीं जा। अब मिथिलेश हमनी के बात सुनते कहाँ बा? अरे तू भी कम गलती कर ले बड़ी का, ऐसा ऐसा गलती कर ले बड़ी कि मिथिलेश के उतन को पसंद ना रहे। इतना दिन से बेचारा अपन खीस दबा के रख ले रहे, उहे खीस अब निकला था। हमनी के बीच में बोलल जाई तो ओकर खीस और बढ़ जाई। जैसे हमनी के चुपे रहला में भलाई बा, काहे कि हमनी के लगे कोनो दूसर रास्तो नहीं खे। नहीं रज्जू, एगो रास्ता बा। रितु जी, तनी अच्छा से दवाई कह से कि जब हमार गोड़ अच्छा रही तब हम अपन नाच के खूब बढ़िया से को पे। देखिए हमारे बात सुनी, अगर हमार गोड़ ठीक रही तब हम खूब बढ़िया से नाच पाई। कह से कि नाच में तो मेन काम अपन गोड़े के होला, तो दवाई बढ़िया से। अच्छा दबाओ तेन। और एक बात और, आज के बाद ना हमारे गोड़ जब दबावे को के तो सूखे सूखे मत दबाए, कह से कि हमारा कहीं ठीक ना लगेगा और हमारे सही बर्दाश्त ना हो। अरे आपके पता बा कि ना माई के लगे गोड़ दब मालिश करे वाला तेल बटे, ओकरा के लेके आई, और अगली बार से बिना तेल के मत दबाए। अच्छा ठीक बा। और हाँ सच बताई तो रहूँ, इतना जब हमारे सेवा करते नहीं तो सेवा के मेवा मिले चाहिए कि ना? मतलब हम कुछ समझ नहीं ना। मतलब हम आपके समझाओ तो नहीं, रुकिए एक मिनट। गोपाल, गोपाल तनी कमरा में आवतन है? आवतनी भैया। हाँ भैया। देखा अपना भाभी के कितना हमार सेवा कर रहल बड़ी, तो जब ये इतना सेवा कर रहल बड़ी तो ये बात पूरा दुनिया के पता चले चाहिए कि एगो आदर्श धर्मपत्नी होली कैसे। मोबाइल ले बड़ गया? हाँ भैया, यही रहल ऑन करके एगो वीडियो बनावले और ओकरा के डांस मास्टर पर अपलोड करले, तारा खूब बढ़िया व्यू मिली, पूरा दुनिया के पता चले गए। दवाई दवाई रितु जी, दबाओ तरह। भैया ई ई ई ई का कहता नहीं? ई डांस मास्टर के दर्शक लोग के ई सब वीडियो दिखाई ते का भेल गोपाल? लोग अगर एगो पत्नी के ओकर पति के सेवा करे देखे तो इमे बुराई ही का बा? हमरा के कोने समस्या निखे, लोग अब वीडियो बनाई। हाँ हमरा की बात समस्या, मिथिलेश ई घर वालन के तू पति पत्नी के बीच में बोले से मना कैले बाड़ा, हमने ना बोलनी मान गई। बाकी एगो बात याद रखिया, ई घर के इज्जत अगर दुनिया वालन के सामने उछली तो हम बर्दाश्त ना करें। रितु अगर अपन रिश्ता के सुधारे खातिर इतना मेहनत करत अड़ी तो तोरा के एगो मौका ओकरा के देवे के चाहिए, बाकी ना। और तू का करत अड़ा, मौका देवे के बजाय उल्टा इनकर बेइज्जती करत अड़ा। कल तुहार 25वां जन्मदिन बा, घर में एगो प्रोग्राम रखल गेल बा और ई प्रोग्राम के पूरा जिम्मेदारी रितु निभाई है।
माई तारा बहू के ना कुछ हो ना वाला। माई तू हमारा जन्मदिन के प्रोग्राम के जिम्मेदारी ना इनकरा दे के तू गलती करता रू। और माई तारा के हमारा बात पे विश्वास नहीं है ना तो कल तू अपना आंखी से खुद ब खुद देख लिया ले कि हमारा जन्मदिन के प्रोग्राम के कैसे गुड़ गोबर कर तरी। मिलेश जी भले ही राहुल जन्मदिन पे कोने बड़ा प्रोग्राम लिखे हो बाकी राहुल जन्मदिन तो मन बे करी और बहुत अच्छा से मनी एक जिम्मेदारी हम लेता नहीं। रितु बेटा हाँ मुझे ये मौका के तू हाथ से मत जाए दिया तू आज ही से तैयारी शुरू कर दा। जी अम्मा जी टू यू हैप्पी बर्थडे मिथिलेश भैया। Happy birthday to you, happy birthday dear Mithva, happy birthday to you, happy birthday Mithva. तो आज रहुआ सबके प्यारे दुलारे मितवा जी के जन्मदिन बा रउआ लोग भी कमेंट सेक्शन में जाकर उनकरा के जन्मदिन के शुभकामना दे दी। ये सब का बा केक कटला के बाद रहते सूते गोरा निशान तो ये कुली तो ना रहे ये क्या को देलास पूरा हॉल में लॉलीपॉप लटकावे के का मतलब बा। अच्छा मिथिलेश भैया के जन्मदिन के खुशी के अवसर में सजावट कई गई बा। हाँ लेकिन के सजेलस हम लोग तो सब अभी सुत के उठा तानी। हाँ हाँ बाकी हमरा के लगा था ये जे भी कई ले बा मिथिलेश के बहुत अच्छा सजाने ला काहे कि बचपन में मिथिलेश के लॉलीपॉप बहुत पसंद रहे इसीलिए तो मैं लॉलीपॉप लेकर आई हूँ आंटी जी। था मित्वा को लॉलीपॉप बहुत पसंद है इसलिए रात में चुपचाप घर में घुसकर पूरे घर को लॉलीपॉप से सजा दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ओह गॉड आप लोग मुझे देख के ऐसे चौक क्यों गए? मैं संगमित्रा पहचाना आंटी? संगमित्रा तू? हाँ मित्रा तू हमरा के यकीन नहीं खेत लेकिन हम तारा के पहचान गए नहीं। बस मित्रा बस तुमने मुझे पहचान लिया लेकिन अब पहचानने की बारी है मेरी तो ये है चाचा जी। सही कहा ना? नमस्ते चाचा जी। और ये है कड़क चाय रज्जो आंटी। और यह है इनका बेटा गोपाल और यह है मितवा की बहन प्रीति और यह है मितवा की लाइफ पार्टनर मिसेस मितवाइन यानी कि ऋतु। राइट? वाह सही मित्रा तू तो एक एक आदमी की पहचान करू। बताओ रितु मैं कौन हूँ? अरे, अरे बताओ। अरे छोड़ छोड़ो। अरे कहा भाई देखो ना
ये रज्जू आंटी मेरी बात नहीं मान रही है। मैं जो कपड़े लाई उसे पहनने से मना कर रही है। इला लॉलीपॉप। थैंक यू गोपू, अब से मैं तुम्हें गोपू ही बोलूंगी। अच्छा तुम भी लो ना, ये लो। थैंक यू। आप सब भी लो, और ये लॉलीपॉप भी ना मैं लंदन से लेकर आई हूँ सबके लिए। अब जाके मूड अच्छा हो गया। अब बात चाहे खाने पीने की हो या फिर सजने संवरने की, सब काम मेरी पसंद से हो रहा है। मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। और प्लीज आप लोग भी मेरी बात मानिए, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करिए प्लीज। मित्वा देखो ना, मेरे लाए हुए कपड़े कितने अच्छे हैं, पर ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। तुम इन्हें बोलो ना कि ये कपड़े पहने, अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं रो दूंगी। अरे ये का कहलू तोरा के मालूम नहीं खे, ये मिथिलेश के नाच अभ्यास करूंगा। पता है आंटी, मिथिलेश ने खुद बताया था, लेकिन क्या है ना, मुझे इस पूरे घर में यही कमरा सबसे अच्छा लगा। एक अलग ही ऊर्जा है इस कमरे में, इसीलिए मैंने इसका सारा सामान निकाल के अपना सामान रख लिया। आज से मैं इसी कमरे में रहूंगी। हाँ। और ये रूम के सामान कहाँ जाए? उसकी चिंता आप मत करिए, वो सब मैं स्टोर रूम में रख दूंगी। ठीक है। कितना मेहनत से ही कमरा के सजेले रहे कि मिथिले से जा अभ्यास करी है। मिथिलेश ये सब का होता हो? वह होता चाची जी जो होके के चाहिए। ऐसे देखा जाओ तो ऋतु जी के तो हमारा नाच पसंद नहीं है ना। ऋतु जी हमारा नाच से तो नफरत कर ली ना, करे तुझे, लेकिन यहाँ के हमारे गरीब झावे खातिर पूरा कमरा के अच्छा से सजा ले रहा। अगर देखा जाओ तो भगवान के शायद ही मंजूर ना रहे, सारा ई जगह सामान पूजा चल गई जहां से आई। और हाँ, अगर आप लोग सब लोग यही सोचते नहीं कि हमारा कहला पर मित्रा ही सब पहले बड़ी, तो ऐसा कुछ हो नहीं, आप सब लोग गलत सोच रहे बनी। अगर सच्चाई बताएं और वजह भी जानना चाहम तो जो ऋतु जी जो आडम्बर ढों कहले बड़ी ना, वो करा के भगवान भी ना चाहता, जहां के समान तहां चल गए। और भगवान उनकर सजावल कमरा पर उनके पसंद ना कर। मैं आपको मेरे पापा से बात नहीं करने दूंगी। काहे काहे ना करे देबू? तो हर पापा हमारे पति के दोस्त पाड़े, अरु हम रहूं के बहुत अच्छे से जाने ले, और हम जाना तानी तू हमरा के अपन पापा से काहे बात ना करे देवे चाहता लू। काहे कि तू लंदन से यहाँ भाग के आयल बाड़ू, और ये बात हम अपन कान से सुन ले बाड़ी जब तू गोपाल से करत रहू। तू कुछ कर ला, बाकी हम तो हर शिकायत तो हर पापा से करके रह।
मामा जी, रुवा संगमित्रा की शिकायत कल काहे चाहतनी? तू देखत नहीं खू, जब से ये घर में आयल बिया कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। और तू देखिया, ये आपन किताब में हमनी के घर के बारे में जरूर कुछ उल्टा सीधा लिखी। अगर संगमित्रा ऐसा कुछ ना लिखस तब तरुआ को दिक्कत नहीं है ना अम्मा जी? संगमित्रा तू अम्मा जी के बता दा, असल में अम्मा जी के अंदर डर समाइल बा कि कहीं तो अपना किताब में ये घर ये परिवार के बारे में कुछ गलत सलत ना लिख दा। तो तू बता दा अम्मा जी के कि तू अपना किताब में सिर्फ मिथिलेश जी के बारे में लिखूं, बता दा, ताकि अम्मा जी के अंदर के डर समाप्त हो जाए। तो फिर आंटी बिना परेशान किए मुझे इस घर में रहने देंगी ना? जरूर रहे दे। अब तुम मिथिलेश जी के दोस्त हो, एक घर के मेहमान हो। प्रॉमिस आंटी जी, मैं आपके घर के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखूंगी, मगर प्लीज आप मुझे इस घर में रहने दो ना। और आपको मेरे पापा से मेरी शिकायत करनी है ना, जरूर करिए, मैं पापा की डांट खा लूंगी। रुकिए, मैं ही बात करा देती हूँ उनसे। आंटी पापा का फोन नहीं लग रहा है। जायदा रितु हमरा के समझा देले बाड़ी, हम समझ गए बाड़ी, तू हमने के घर में रह सकेलू। तो एगो नाटक खत्म ना भइल आपके श्रीमती मिथिलेश, एगो नया नाटक शुरू करे के तैयारी कधी नहीं? रुआ के हमार हर काम नाटक काहे लागेला? नाटक काहे लागेला? एक खातिर लागेला कि हमारा जन्मदिन पर हमारा बर्थडे खातिर एगो केक के तो व्यवस्था कर ना पाई। तो चलल बनी आप रुआ, हमारा जन्मदिन पर हम कौन कपड़ा पहनम कौन ना पहनम ई चुने में। ई नाटक ना तो का रे तुजी? देखिए रुआ गलत समझते नहीं मिथिलेश जी। अच्छा, हमके अच्छा से पता बा कि रुआ अपना पसंद के ही कपड़ा पहनीला। हम तो बस ई देखत रहनी है कि अलमारी में रुआ कोने चीज के कमी तो नहीं खे, ताकि हम राउर बर्थडे पे रुआ के गिफ्ट कर सके, जैसे कि पैंट शर्ट घड़ी पर्स ये देखत रहनी है। देखिए तुझे एगो बात कान खोल के सुन ली कि राउर कोनो भी पसंद कई चीज हम पसंद ना कर सके, ठीक ना? ना चाहिए हमरा के आपके कोनो गिफ्ट, और ये सब गिफ्ट दे के ना हमारा खुश करे कोशिश मत करे। कह सके अगर आप हमारा के हमारे जन्मदिन पर कौनो गिफ्ट दें तो डिनर देख ले हम बाहरी फेंक दें, याद रख। ए कौन हो तुम और यह घर में कैसे घुसाए? घुसाए नहीं की का मतलब? हमारा तो रोज के आना जाना भाई। जा ये बतावा कि तू कौन बाड़ू? अच्छा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? हे लेकी चोर केकरा के कह लो। और कोई दिख रहा है यहाँ? संगीत्रा जा, तरह के सब खोजा था, पूजा की तैयारी में जाके मदद कराओ। हाँ जा रही हूँ, पर पहले ये बताओ कि ये गुंडा कौन है? जवान संभाल के। अरे ये गुंडा ना हुए, ये मिथिलेश जी के दोस्त नागेश हुए। दोस्त कम गुंडा ज्यादा लगता है। हे भगवान, आज रुवा आशीर्वाद से मिथिलेश जी के जीवन के 25 साल पूरा हो गए। मिथिलेश जी आज तक केहू के साथे बुरा निखन कहले,
क्यों के दिल नहीं खन दिखाओले, हमेशा सच्चाई के साथ देले, लेकिन फिर भी इनके एक के बाद एक दुख मिलत रहेला, हमेशा कोनो न कोनो कष्ट झेलत रहेले। कैसे न्याय बा भगवान, आखिर अच्छाई करे वाला के साथ हमेशा बुराई ही काहे होला। भगवान आज हम अपने पूरे परिवार के साथ हाथ जोड़ के रुवा से विनती करतनी कि मिथिलेश जी पे अपन कृपा दृष्टि बनाएं और इनका के हमेशा खुश रहे के आशीर्वाद दी। हमार विनती स्वीकार करी भगवान। ऋतु जी, हम जानत नहीं कि रुवा सच्चे दिल से हमरा खुशी खातिर प्रार्थना करतन और एगो हम बनी कि रुवा के दुख ही दुख देतन, लेकिन सच्चाई तो हमारे भगवान ही जानत रहन कि हम जान बुझ के नहीं करत बल्कि रउआ भलाई खातिर करते। मजबूरी में हमरा के ये सब करे के पड़ता ऋतु जी, फिर भी हो सके तो हमरा के माफ कर दे, हमरा लगे और कोनो दूसरा रास्ता नहीं की। जेकर हाथ में आरती के थरिया बा यानी कि हम। अरे ना बेटा, घर में जे सबसे बड़ बा सबसे पहले आरती वही उतारी। चाचा जी जरूरी नहीं के, आरती तो हम ही पहले उतारब। बुद्धि घास चढ़ गल बा। घोर परास हो गई उतरने के पता कि घर में जे सबसे बड़ होला वह सारा शुभ काम करेला। आरती के थोड़ी दे पहले दीदी जी के हाथ में। प्रीति हमरा के मत दा, अब रीतु के दा। रीतु पहले मिथिलेश के आरती उतरिए। माई श्रीमती मिथिलेश के आरती के थली दे देते रुजाए, तनी पूछ ले जाके इनकरा के आरती उरती करे के ढंग आवेला कि ना आवेला, ऐसे ही दे देते रुजाए। मिथिलेश कम से कम आज तू इतना कड़वा मत बोला। ला बेटा आरती उतार। चिल्लाई की आवाज के करबा मिथिलेश, तू ऐसे बैठा रहा, उठिया मत। पूजा पर से उठला आप सगुन होला बेटा, हम नहीं देख के आवा था नहीं के बा। चल, चल, चल। आजकल जब तक कोई चीखता नहीं तब तक कानों तक आवाज ही नहीं पड़ती। अच्छा वो सब छोड़ ले, कुछ देर में हम लोग खुद ब खुद अपने आप आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ ठीक, बस ठीक। तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? हमारा मतलब कहला के बदला कि तू बहुत सुंदर लगा था, बहुत बढ़िया लगा था। थैंक यू मितवा। मैं क्या सोच रही हूँ कि जब तक वो लोग नहीं आ जाते तब तक मैं ही तुम्हारी आरती उतार देती हूँ। अब इनकरा के किससे मना करी, कहीं बुरा मत मान जास। दीदी जी खान बनी है साड़ी और चंडू खोज रही हो। संगमित्रा दीदी जी मिथिलेश के सामने ना तो कौन लोग बात बिगड़ जाए, अभी पहले सब लोग आरती कॉल हो जाए ओकर बात देख जाए। अरे आप लोग भी बड़े अजीब हैं, ये आरती की थाली छोड़कर कहाँ चले गए थे? ऐसा नहीं किया जाता, ये अपशगुन माना जाता है। मैंने मितवा की आरती उतार दी है, आइए आप लोग भी उसकी आरती उतार दीजिए। अरे क्या हुआ, आइए ना आरती कर दीजिए। आओ ऋतु अब
तुम्हारी बारी है, मितवा की आरती उतार दो। एक मिनट, फोन आता। हेलो, तू जाने लू ना, वो गलत कह ले बिया, फिर इतना दरिया दिल दिखाए का जरूरत रहे। जाए दी ना संग मित्र, अपन गलती स्वीकार कर ली है ना। अरे कुकुर के पोछिया कबो ना सुधरी, देखी हा फिर कोनो गलती कर। नागेश जी हमरा के बतौले रहने की संगमित्रा उनकरो से भिड़ गई रही, अब पता बा उनका फोनो तोड़ देली। हाँ सही बात है, मिथिलेश जी आजकल हमरा से नाराज चलते रही, उसे हमरा से ठीक से बात भी नहीं की कर। कम से कम केहू तबाही घर में जिकरा से मिथिलेश जी बात कर सकी, समय बिता सकी। वैसे भी मिथिलेश जी के खुशी में ही हमार खुशी बा, हमरा के संगमित्रा से कोनो दिक्कत नहीं है, और हमरा हिसाब से रुआ लोग के भी ना होके चाहिए। और सोची संगमित्रा तो मिथिलेश जी के ऊपर किताब लिखत रही, मिथिलेश जी खातिर कितना बड़ बात बा, है कि ना। देखिए संगमित्रा थोड़ी नादान बड़ी, रुआ सभी उनका के माफ कर दी, अगर वो कुछ तनी मनी गलती भी कर तरी ना उकरा के नजरअंदाज कर दी। जब से संगमित्रवा घर में आई बिया तब से हमारा उकोरा ऊपर सकरला, जरूर कोनो ना कोनो राज छुपावा दिया। हमरा एक एक बात ओकरा बारे में पता लगाव के पड़े, सारा रूम हम खंगाल दे, शायद कुछ तो ओकरा बारे में हमरा पता चले। मुझे किसी भी हाल में प्रभु दयाल का नंबर चाहिए, बचपन में उसी की वजह से मैं मितवा से दूर हुई थी, कितने सालों से ढूंढ रही हूँ उसे, मितवा ने उसका नंबर कहीं तो लिखा होगा। हाय दादा, ये संगमित्र पागल का,